नमस्कार, मैं हूं सौम्य राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। आज से बिहार में 74 नगर निकायों में वर्ग 6 से 8 के लिए शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि सारे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और नियोजन प्रक्रिया में कितने लोग इस वक्त नियोजित किए जाने वाले हैं। छठे चरण में 90,700 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर नियोजन के लिए काउंसलिंग सोमवार से शुरू होने जा रही है। पहले दिन वर्ग 6 से 8 तक के लिए कटिहार और पूर्णिया नगर निगम समेत 74 नगर निकायों में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। काउंसलिंग सुबह 11:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। सोमवार से उन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग शुरू की जा रही है जहाँ दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किए हैं। दरअसल काउंसलिंग में वे ही अभ्यर्थी भाग लेंगे जिनसे संबंधित मेधा सूची सार्वजनिक की जा चुकी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 5 जुलाई को 2 नगर निगम, 23 नगर परिषद और 49 नगर पंचायतों में काउंसलिंग कराई जानी है। शिक्षक विभाग ने इसकी फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। जिन नगर परिषदों में 5 जुलाई को काउंसलिंग होगी उनमें फॉरबिसगंज, अरवल, बांका, डुमराव, भभुआ, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, हिलसा, नवादा, बेतिया, बगाहा, नरकटिया आदि मौजूद हैं। 90,700 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की छठे चरण में नियुक्ति होने वाली है। काउंसलिंग सुबह 11:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक होगी। 2 नगर निगम, 23 नगर परिषद और 49 नगर पंचायतों में आज काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां पक्की कर ली है। आपको बता दें कि काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को शैक्षणिक व प्रशिक्षण के प्रमाण पत्रों की मूल और फोटो कॉपी ले जाना अनिवार्य होगा। साथ ही फोटो पहचान पत्र जैसे आधार, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य रूप से ले जाना है। अगर किसी कारणवश किसी योग्यता की मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो औपबंधिक प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। बीटेट और सीटेट अभ्यर्थियों के लिए डाउनलोड प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र जमा कर लिए जाएंगे। उनके स्व हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र व अंक पत्र पर नियोजन इकाई के सदस्य भी हस्ताक्षर करेंगे। आगे आपको बता दें कि पटना जिला शिक्षा कार्यालय की माने तो पहले दिन 9 नगर निकाय के विभिन्न विषयों के लिए 35 रिक्त पदों पर शिक्षक नियोजन किया जाना है। इसमें 303 अभ्यर्थियों का दावा है। DEO कार्यालय की माने तो अभ्यर्थियों का प्रवेश 8 बजे से शुरू होगा। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन 11 बजे तक ही करवा पाएंगे। 11 बजे के बाद आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। ज्ञात हो कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन के पहले दिन 9 नगर निकाय के लिए शिक्षक नियोजन किया जाएगा। शाम 4:30 बजे तक काउंसलिंग होगी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थी का विषयवार नाम शिक्षक नियोजन के वेब पोर्टल पर 6 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपना चयन देर शाम तक देख पाएंगे। काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को 9 तरह के कागजात लाने को कहा गया है जिनकी जानकारी हमने पहले ही आपको दे दी है। बिहार में शिक्षक नियोजन के लिए जो प्रक्रिया की शुरुआत अब हुई है उसके लिए शिक्षक अभ्यर्थी एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस बार ये वादा किया था कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया ठीक तरीके से पूरी हो जाएगी और इस बार बिहार सरकार ने उसके प्रति कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया इस बार ठीक तरीके से पूरी हो जाए और शिक्षक अभ्यर्थी जो इतने लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे उनके इंतजार का उन्हें एक अच्छा फल मिले। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।